25 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही फिल्म दोपट्टे को लेकर दर्शकों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। दर्शक खुलेआम कह रहे हैं कि वह इस फिल्म को 15 मिनट भी नहीं झेल सकते। दोपट्टे के बुरी तरह से असफल होने पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक पत्नी ने अपने पति के फिल्मी करियर को संवारने के लालच में नेटफ्लिक्स को दबाने के साथ साथ कृति सैनन के करियर पर भी सवालिया निशान लगा दिया। कुछ लोग इस फिल्म के संदर्भ में कृति सैनन की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं, चौबे जी चले थे छब्बे बनने और दुबे बनकर लौट आए। आखिर इस तरह की चर्चाएं क्यों हो रही हैं, इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। पर उससे पहले हम चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा फिल्मी संगम चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें, बेल बटन दबा दीजिए। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक भी करना न भूलें और इसे अपने दूसरे दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं। नेटफ्लिक्स की फिल्म दोपट्टे का निर्माण अभिनेत्री कृति सैनन और लेखिका कनिका ढिल्लों ने मिलकर किया है। इस तरह दोपट्टे का निर्माण कर कृति सैनन ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा, जबकि इस फिल्म में उन्होंने सौम्या व शैली की दोहरी भूमिका भी निभाई। इस फिल्म में कृति सैनन के अलावा काजोल और साहिर शेख की भी अहम भूमिकाएँ हैं। साहिर शेख के करियर की दो बट्टी पहली फिल्म है। यह अलग बात है कि साहिर शेख बतौर अभिनेता टीवी पर 2005 से काम करते चले आ रहे हैं। वह अब तक कई टीवी सीरियलों में अभिनय कर चुके हैं, पर जो मुकाम उन्हें मिलना चाहिए था वह आज तक नहीं मिल पाया। बहरहाल उन्हें पहली बार दो पट्टी के साथ किसी फिल्म में अभिनय करने का अवसर जरूर मिला, या यूँ कहें कि उनके लिए इस फिल्म को बनाने की जद्दोजहद उनकी पत्नी ने किया। फिल्म की लेखिका कनिका ढिल्लों ही हैं। अफसोस दर्शकों ने फिल्म को सीरियस नकार दिया है, मगर नेटफ्लिक्स कनिका ढिल्लों और कृति सैनन की प्यार टीम झूठ का ढिंढोरा पीट रही है कि दो पट्टी को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। पता नहीं इस तरह का गलत प्रचार कर कौन किसे और क्यों मूर्ख बनाना चाहता है। जिस दिन फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ था उसी दिन यह जाहिर हो गया था कि इस फिल्म का कुछ नहीं होना है। फिल्म के ट्रेलर में दम नज़र नहीं आया था, तो वहीं इस फिल्म की टीम को देखकर भी समझ आ गया था कि इस फिल्म का कुछ नहीं होना है। इतना ही नहीं, जिस तरह से स्टेज से फिल्म से जुड़े लोग बयानबाजी कर रहे थे, जिस तरह से सभी एक दूसरे की प्रशंसा करने में जुटे हुए थे, वह भी हैरान करने वाला था। सबसे ज़्यादा आश्चर्य तो इस बात पर हो रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल कंटेंट डायरेक्टर रुचिका कपूर से एक नजर आती और कृति सैनन ने झूठ के पतंग उड़ाते हुए दावा किया था कि उन्होंने स्वयं 10 कलाकारों का ऑडिशन लेने के बाद ध्रुव के किरदार के लिए साहिर शेख का चयन किया है। अब लोग स्वयं अंदाजा लगा लें कि कृति सैनन किसके दबाव में इस तरह का बयान उस दिन दे रही थी। अब सवाल उठता है कि कौन है रुचिका कपूर शेख। तो बता दें, मुंबई में पली बड़ी रुचिका कपूर ने 2010 में बालाजी टेलीफिल्म्स के मार्केटिंग विभाग से अपने करियर की शुरुआत की थी। 2016 में उनकी मुलाकात टीवी कलाकार साहिर शेख से हुई। रुचिका ने 19 अक्टूबर 2020 को साहिर शेख से विवाह कर रुचिका कपूर शेख बन गए। अक्टूबर 2022 में रुचिका कपूर शेख ने ओरिजिनल कंटेंट इन हिंदी की निर्देशक के तौर पर नेटफ्लिक्स से करियर की नई शुरुआत की। अब उनके पास नेटफ्लिक्स के लिए मौलिक कंटेंट करने की जिम्मेदारी है। हालात और सूत्रों पर यकीन करें तो रुचिका कपूर शेख ने अपने पद का उपयोग करते हुए सबसे पहले अपने पति साहिर शेख को टीवी से उठाकर फिल्म अभिनेता बनाने की दिशा में प्रयास करने शुरू किए, जिसके परिणाम स्वरूप फिल्म दो पट्टे का निर्माण हुआ। इस फिल्म के साथ ही साहिर शेख टीवी के साथ ही फिल्म अभिनेता जरूर बन गए, मगर रुचिका कपूर शेख के स्वार्थ के चलते ऐसी गलती हुई कि अब लोग कह रहे हैं कि रुचिका और साहिर दोनों के साथ तुलना माया मिलिन राम वाली कहावत चर्चात हो गई। वास्तव में रुचिका कपूर ने ओरिजिनल कंटेंट व अपने पट की पहली फिल्म के लिए बेहतरीन कहानी और पटकथा वाली फिल्म का चयन करने के बजाय सारा ध्यान इस बात पर लगा दिया कि उनके पट की फिल्मी करियर की शुरुआत हो रही है। देखिए, हम यह आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम तो उन हालातों के आधार पर यह सब कह रहे हैं जो कि सामने नज़र आ रहे हैं। सच तो सबसे ज़्यादा रुचिका कपूर शेख और साहिर शेख ही बता सकते हैं, पर हमें जो हालात नज़र आ रहे हैं और जो लोग हम सूत्र बता रहे हैं उसके आधार पर हमें सारी बातें कर रहे हैं। बहरहाल शायद इसी गिल के चलते दो पट्टी के ट्रेलर लॉन्च प्रेस कंपनी से खुद रुचिका कपूर से गायब रहीं और वह पत्रकारों के सवालों का सामना करने से भी बच गईं। अन्यथा शायद ट्रेलर लॉन्च में इस बात पर उनसे सवाल किया जाता कि इस फिल्म में साहिर शेख को लेने के लिए क्या उन्होंने सिफारिश की थी।
इससे नेटफ्लिक्स को जबरदस्त नुकसान होने के साथ ही साहिर शेख के फिल्मी करियर पर भी पूर्ण विराम लग गया। अब एक बार फिर से साहिर शेख को टीवी सीरियलों की ही शरण में जाना होगा। दो पत्ती की बुरी हालत के बाद अब साहिर शेख के मन में क्या चल रहा है पता नहीं। तो वहीं अभिनेत्री के साथ साथ निर्माता बनने का लालच कृति सैनन को ले डूबा। यूं तो कहा जाता है कि कृति सैनन काफ़ी स्मार्ट हैं, मगर उन्हें कहानी व पटकथा की समझ हो ऐसा नहीं लगता। अगर वह समझदार होती तो दो पत्ती जैसी घटिया पटकथा वाली फिल्म बनाने से दूरी बनाकर रखती। वैसे कृति सैनन के फिल्मी करियर की जो हालात हैं उसे देखते हुए उनका फिल्म निर्माता बनने का निर्णय गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लेकिन उन्होंने निर्माता के तौर पर भी वही गलती की जो बतौर अभिनेत्री करती आ रही हैं। 10 साल के अपने करियर में कृति सैनन अब तक राबता, कलंक, अर्जुन पटियाला, पानीपत, पटपटनी और वह हम दो हमारे दो, बच्चन पांडे, हीरोपंती 2, भेड़िया, शहजादा, आदि पुरुष, गणपत और क्रू जैसे सुपर डुपर असफल फिल्मों में अभिनय कर चुकी हैं, क्योंकि इन फिल्मों के विषय पर उन्होंने खास ध्यान नहीं दिया। इसके बावजूद कृति के दावे के अनुसार उन्होंने दो पत्ती के लिए अपने सह कलाकार का ऑडिशन लेकर चयन किया, यह बात कम हास्यास्पद नहीं लगती। कुल मिलाकर कृति सैनन के लिए तो यही कहा जा सकता है सिर मुराते ही ओले पड़े, पर इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार हैं। यहाँ पर जो हालात नजर आ रहे हैं उसे देखते हुए कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि किसी का फिल्म कैरियर संवारने के लिए कृति सैनन को बिल का बकरा बना दिया गया। पर किसने बनाया? खुद कृति सैनन बनी, क्योंकि गलती तो कृति सैनन की है, किसी ने जबरदस्ती उन पर बंदूक थोड़ी चाहने की वह निर्माता बन जाए। अब यह कितना सच है इसे भी कृति बता सकती हैं। खैर, फिल्म दो पट्टी की कहानी पर भी बात की जानी चाहिए। फिल्म दो पट्टी का निर्माण कृति सैनन व लेखिका किनका ढिल्लों ने किया है। इसके बावजूद किनका ढिल्लों ने दो पट्टी की कहानी और प्रकृति इतनी घटिया लिखी जिसके बारे में कम से कम कृति सैनन ने भी नहीं सोचा होगा। फिल्म की कहानी की बात करें तो यह कोई मौलिक कहानी नहीं है। इस विषय पर अतीत में कई हिंदी व गुजराती भाषा में फिल्में बन चुकी हैं। लोग तो खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि दो पट्टी 2005 में आई असफल फिल्म सीसा से प्रेरित है। दो पत्ते की कहानी व पटकथा में इतनी गड़बड़ियां हैं कि फिल्म देखते वक्त हर कोई हैरान रह जाता है। काजोल कानून का सख्ती से पालन करने वाले अफसर के किरदार में है, पर वह जिस अपराध व जिस अपराधी के खिलाफ जांच कर रही हैं उसी को अदालत में बचाने का प्रयास करते हुए भी नजर आती हैं। यह सारा माजरा तो दर्शक के सिर के ऊपर से गुजर जाता है, पर हमें इस बात से बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि किनका ढिल्लों के सही महीनों में पहली बार 2011 में फिल्म रावण की पटकथा व संवाद लिखे थे। उसके बाद साइज जीरो, केदारनाथ, जजमेंटल हैं क्या, रश्मि रॉकेट, एक विलेन रतन, रक्षाबंधन और डोंकी जैसी फिल्मों का भी लेखन कर चुके हैं। अब इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाया यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसके बावजूद कृति सैनन ने उनके साथ निर्माता के रूप में जोड़ी बनाई तो इसमें किसी गलती, लेकिन दो पत्ती से एक बार फिर यह बहस का मुद्दा जरूर बन गया है कि क्या कॉरपोरेट कंपनियों और OTT में बैठे लोग अपनी कंपनियों के साथ ही सिनेमा को भी बर्बाद करने के लिए समय काम कर रहे हैं। सच क्या है यह तो बहस के बाद शायद कभी सामने आ जाए। हमने दो पत्ती के संदर्भ में कई तथ्य आप सभी के सामने रख दिए हैं। अब आप लोग क्या सोचते हैं या हमें कमेंट बॉक्स में लेकर अवश्य बताएं।